आजकल की जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई भी है कि इस कॉम्प्लिकेशंस में फंस के हम अपनी जिंदगी को और अपने दिमाग को बहुत सारी चीजों में उलझा लेते हैं, और इन्हीं उलझनों में जब हमारे दिमाग में गुंजल बहुत सारे बनने लग जाते हैं तो फिर कभी कभार हमारा जहन जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हैंडल नहीं कर पाता है इन तमाम चीजों को। जब हमारा जहन मुतासर होना शुरू होता है तो फिर हम अक्सर उसको रिलीफ देने के लिए कुछ नेगेटिव इकदाम करते हैं, जिसमें लोग सिगरेट पीते हैं या फिर किसी एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, और इस तरह की तमाम चीज़ों को इख्तियार करके उनको लगता है कि शायद वो अपने आप को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन वो उनको रिलीफ नहीं मिल रहा होता बल्कि उनके चीज़ें जो है वो मजीद वर्स्ट हो रही होती हैं। मेंटल हेल्थ एक ऐसी प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को हमें यकीनन बहुत सीरियस लेना चाहिए, बिकॉज एक तहकीक के मुताबिक 2030 तक मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी कॉज बन सकती है अमवात की, खुदकुशियों की, और जितने भी मसले मसाइल दुनिया में पेश आ रहे हैं। मसला ये है सारा कि हम लोगों को अक्सर एवेलुएट करते हैं अपने जहन की बेस पर, अपने दिमाग की बेस पर। मैं अगर किसी चीज़ को बेहतर तौर पर हैंडल कर सकता हूँ तो मेरी नज़र में शायद पूरी दुनिया या पूरा माशरा उस चीज़ को बेहतर तौर पर हैंडल कर सकते हैं। अक्सर हमें अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं जो कि यू नो चीज़ों को शायद बेहतर तौर पर लेके नहीं चल रहे होते, और हमारी उस पर ना थोड़ी सी जजमेंटल किस्म की जो एक ओपिनियन आती है वही आती है कि भाई देखो मैं तो ये अब हमने तो पूरी ज़िंदगी इतने तमाम चैलेंजेस को फेस किया, इन तमाम चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से किया, काम किए, ये पता नहीं आजकल की नौजवान नस्ल को क्या हो गया है, ये पता नहीं आजकल की नौजवान नस्ल जो है ये छोटी छोटी चीज़ों को क्यों दिल पे सवार कर लेते हैं, सर पे सवार कर लेते हैं। भाई हर इंसान का माइंड डिफरेंट होता है, हर इंसान का सोचने का नज़रिया डिफरेंट होता है, हर इंसान का चीज़ों को देखने का तरीका डिफरेंट होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप कर सकते हो वो कोई और भी कर सकता हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो कोई और कर सकता हो आप भी कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने एटीट्यूड में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो रिलेशनशिप्स ख़ास तौर पर लेट्स सपोज आप के जो क्लोज़ रिलेशनशिप्स हैं जिसमें माँ बाप के आपका अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप, बहन भाइयों का आपस में रिलेशनशिप, मियाँ बीवी का आपस में रिलेशनशिप, दोस्तों यारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जहाँ कहीं भी आपको अपने रिलेशन्स में इस किस्म की किसी भी प्रॉब्लम का कोई सिम्टम्स थोड़े बहुत नज़र आते हैं तो उसको इग्नोर मत करें, उसका मजाक मत उड़ाएं, उसको मतलब ईजी मत लें। दीज थिंग्स नीड्स टू बी एड्रेस्ड, बिकॉज हम अगर उनको छोटे लेवल पे हैंडल नहीं करेंगे सही तरीके से तो वो थोड़े से बड़े लेवल पे जाके हमारे लिए मजीद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और इसी वजह से दुनिया में हमें बहुत सारी खुदकुशियों के वाकयात सुनने को मिल रहे हैं। यंग लोग, बच्चे, बड़े, मतलब हर एज ग्रुप जो है वो किसी ना किसी लेवल पे मेंटल हेल्थ का शिकार है और मेंटल इलनेस का शिकार है। मैं अगर कहूँ मैं इसका शिकार नहीं हूँ तो मैं गलत होऊंगा, अगर आप कहें आप इसका शिकार नहीं आप गलत होंगे। हर इंसान को अपनी नौयत के कोई ना कोई मसले मसाइल ज़रूर चल रहे हैं, तो ये चीज़ डेफिनेटली सीरियसली लेनी चाहिए। और ख़ास तौर पे अगेन मैं बात वही दोहराऊंगा कि जो आपके अपने हैं वो अगर आपकी बातों को सीरियस नहीं लेंगे तो फिर यकीनन वहाँ पर मसले काफ़ी ख़राब हो सकते हैं, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लेट्स सपोज कोई बच्चा है उसको अपने पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी किस्म के चैलेंजेस का सामना है और वो अपने माँ बाप के पास जाता है और माँ बाप से अपनी प्रॉब्लम को बयान करता है, और माँ बाप आगे से अगर उसको ये रिस्पॉन्स दें कि आप कोई थोड़ा सा प्रेशर मजीद डालना शुरू कर दें या मार पिटाई शुरू कर दें कि भाई तुमने तो ये फलां ग्रेड लेकर आना है, तो बच्चा जो है वो शदीद ज़हनी तनाव का शिकार हो जाता है। हम नहीं अंडरस्टैंड करते इस चीज़ को, एक बच्चा होता है उसका छोटा सा दिमाग होता है और छोटे से दिमाग पर हम इतना प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि जिसकी कोई मतलब लिमिट ही नहीं है। ऑन द सेम टाइम सोशल मीडिया, इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मेन कॉज, बिकॉज लाइफ वहाँ पर हर बंदे की बड़ी लैविश नज़र आ रही होती है, बड़ी अच्छी नज़र आ रही होती है जो एक्चुअल में होती नहीं है, और हम सब उस चीज़ को बार बार देख रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, अंगूठा बार बार जो है ऊपर से नीचे घुमा रहे होते हैं और दूसरे की ज़िंदगी को देख के रश कर रहे होते हैं, यार देखो काश हमारी ज़िंदगी भी ऐसी होती। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हम दूसरे को देख के जलना शुरू कर देते हैं और वही दूसरे हमारी ज़िंदगियों को देख के कह रहे होते हैं काश यार ये देखो कितनी अच्छी लाइफ गुजार रहा है, ये देखो मुंडा कनाडा बैठा है, क्या डॉलर में कमाइयाँ कर रहा है, क्या इसकी ज़बरदस्त फैमिली लाइफ है, क्या सब कुछ है। मतलब हमें दूसरों की ज़िंदगी अच्छी लगती है और अपनी ज़िंदगी सबसे अजहर लगती है, तो ये चीज़ें भी यकीनन थोड़ा सा you know, सोचने की ज़रूरत है, इस पे बात करने की ज़रूरत है कि हम लोग किस तरह से जो है वो इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से जो है वो हम चीज़ों को जो है वो अगेन एड्रेस कर सकते हैं। मेरी नज़र में
अभी तक जो इसके लिए इकदाम किए गए हैं वो बिल्कुल नाकाफ़ी हैं, बिकॉज़ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल्स में बकायदा इसके सेशंस होने चाहिए, बकायदा इसकी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होने चाहिए। आपके अपने लेवल पे, फैमिली लेवल पे, किसी भी लेवल पे, जहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं, बात करें। मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, शायद थोड़े बहुत ही लोग मेरी बात सुनते हैं, लेकिन एटलीस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको, इसमें अवेयरनेस फैलाऊँ। इसी तरह से जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं, जो बाकी लोग हैं, जिस भी इस लेवल पे आप बात कर सकते हैं, ज़रूर बात करें, बिकॉज कम्युनिकेशन गैप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तभी जो है वो मसले मसाइल अक्सर होने स्टार्ट होते हैं और वो फिर एक बहुत एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं। अगेन, खुदकुशियां या फिर किसी भी किस्म की चीज़ में आप अपने आप को अज़ियत देना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरों को अज़ियत देना स्टार्ट कर देते हैं, विच डेफिनेटली इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड दिस नीड्स टू बी एड्रेस। इसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम ऑलरेडी रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं, और अगर अभी भी हमने इसके बारे में बात ना की तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें यकीनन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाएंगी। आई रियली होप कि आने वाले दिनों में हमें इसमें कोई ना कोई बेहतरी देखने को और सुनने को मिले। इसी दुआ के साथ, इट्स मी उमेर साइनिंग ऑफ, सेइंग यू ऑल हाफिज़ एंड आई लव यू ऑल।